यहाँ जो कह रहे हैं और जो आपने उनको सजेशन दिया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कि मृत्यु 2 ढाई साल पहले, हाँ मृत्यु, वही तो हमने बोला 2-2.5 साल पहले मृत्यु हुई है, शादी नहीं बता रही। नहीं 2 ढाई साल पहले मृत्यु हुई, उसके बाद ही तो मैरिज होगी। तो रेखा दो ढाई साहू के वकील साहब आप कहाँ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रेखा साहू ननद की मृत्यु 2-2.5 साल पहले हुई है, नंदोई की मृत्यु नहीं बता रही 2-2.5 साल पहले की मैरिज होगी, थोड़ा देख के पढ़िए। ऐसा मत आप हाई कोर्ट में बहस कर रहे हैं, यू थिंक दैट यू कैन मिसलीड अस। समझे आप क्या बहस कर रहे हैं और कितनी हॉलो है वो बहस आपकी। मैं लॉजिक समझ गया। चलिए, कक्षा तीसरी में एडमिशन लिया है, फिर गलत पढ़ रहे हैं आप। 2010 में कक्षा तीसरी में एडमिशन लिया है, प्रधान अध्यापिका क्लियर कट बोल रही है, गलत पढ़ के आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बत्रा जी, ये तहसील कोर्ट नहीं है जहां पर आप मिसलीड करेंगे। नियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 27/5/2017 को अभियुक्ति ने थाना जहांगीराबाद भोपाल में इस आशय की रिपोर्ट मौखिक दर्ज कराई है। उसके पापा के देहांत हो जाने के बाद उसकी मां रेखा साहू ने दूसरी शादी मुकेश यादव से कर ली और उसकी माता के देहांत के बाद वह अपने मामा के पास रही। फिर कुछ दिन बाद वह वर्ष 2015 के नवंबर में अपने सौतेले पिता मुकेश यादव के बरखेड़ी के मकान के किराए वाले मकान में रहने लगी। उसकी दो छोटी बहनें भी साथ रहती थी, जहां उसी महीने में उसके सौतेले पापा ने एक दिन उसके साथ रात में फिर एक्ट के बारे में लोग सुना और कहा कि किसी को बताया कि उसे जान से मार देगा। डर के कारण वह उस समय किसी को ये बात नहीं बताई, बस अपनी मामी कल्पना साहू को यह कहा कि उसके पापा गलत व्यवहार करते हैं, उनके साथ नहीं रहना है। तब उसकी मामी मामा गरीब थे, इसलिए उन्होंने गौरवी संस्थान में देखरेख के लिए छोड़ दिया, जहां गौरवी संस्थान में बीवी लोगों को ये बात बताई। 2 दिन बाद उसे बालिका गृह नेहरू नगर रहने के लिए भेजा गया, जहां उसने बालिका गृह में वहां की दीदियों को उपरोक्त बात बताई तथा वह चाहती है कि उसके सौतेले पापा को सजा मिले। तत्पश्चात बालिका गृह की अधीक्षक द्वारा थाना जहांगीराबाद में सूचना किया गया और वहां से अभियुक्ति को लेकर थाना जहांगीराबाद भोपाल में आरोपी के विरुद्ध ये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी। इसमें लॉर्डशिप जो हमारी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है उसके लॉर्डशिप 2 ग्राउंड्स हैं। लॉर्डशिप इसमें लॉर्डशिप जो सर्कमस्टेंस थी जिसके द्वारा ये अपने घर से पहले अपने एक मामा के यहाँ भोपाल गई और फिर उसके बाद इंदौर चली गई और इंदौर के बाद ये लॉर्डशिप गौरवी संस्था चली गई। आपके पास नहीं आई इस बीच में कभी भी? बीच में लॉर्डशिप ऐसा इसमें आया है कि कुछ समय के लिए ये रही है, उसके बाद ये पहले आपकी जो दो बाकी बेटियां हैं उनकी एविडेंस हुई है क्या इसमें? नहीं नहीं है? नहीं, she is your stepdaughter, prosecutrix is your stepdaughter and those two girls जिनको वो अपनी बहनें बता रही हैं, they are your daughters from this girl's mother. एक बच्ची हमारी है, एक बच्ची आपकी है, बच्ची दूसरी इसी की रियल सिस्टर है, इन्हीं की रियल सिस्टर। हाँ चलिए, इसमें लॉर्डशिप जो पहला ग्राउंड है हमारा कि जो परिस्थिति लॉर्डशिप इसके लिए गौरवी संस्थान की एक विटनेसेस का एविडेंस दिया गया है जो कि PW8 है लॉर्डशिप। W8 क्या कहती है वो लॉर्डशिप? PW8 का लॉर्डशिप ये सीधा क्रॉस एग्जामिनेशन लॉर्डशिप Para 3 लॉर्डशिप। यह सही है कि पीड़िता ने परामर्श के दौरान उसे यह बताया था कि वह किसी लड़के को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहते हैं, किंतु मामा मामी मेरी उससे शादी कराना चाहते हैं और मामा मामी नहीं। उस पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था। मुझे आज मुस्कान के परामर्श की तारीख याद नहीं है। मुझे आज याद बच्ची का नाम मत पढ़िए प्लीज। मुझे आज याद नहीं है कि किस थाने के द्वारा पीड़िता एम को हमारे केंद्र में परामर्श के लिए भेजा गया है। तो लॉर्डशिप ये था हमारा स्पेसिफिक डिफेंस जिसको हमने लॉर्डशिप क्रॉस प्रोसिक्यूटिक्स को क्रॉस एग्जामिन में पूछा होगा ना आपने, अब बताइए।
प्रोसिक्यूटरी से पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू मन नहीं है, मन मामी है। पीडब्ल्यू टू लॉर्डशिप, ये पैरा टेन में लॉर्डशिप है, पैरा टेन में लॉर्डशिप। यह कहना गलत है कि मैंने मेरे सौतेले पिता मुकेश यादव के विरुद्ध इसलिए रिपोर्ट दी थी क्योंकि मैं मेरे मामा दिनेश के बगल में रहने वाले शैलू फटीक से बात करती थी, वह मुझे उससे बात करने से रोक देती थी। यहाँ जो कह रहे हैं और जो आपने उनको सजेशन दिया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें लॉर्डशिप सिर्फ हमारा जो ग्राउंड है जो है कि कहीं कुछ ऐसा इनके बीच कनेक्शन था। मामा मामी ने उसको जो है रोका था, इसमें मुकेश कैसे आ जाएगा? उसको आरोप लगाना था, मामा के खिलाफ लगा देती। यह कहना गलत है कि मेरे सौतेले पिता मुकेश यादव के विरुद्ध इसलिए रिपोर्ट की थी क्योंकि मेरे मामा दिनेश के बगल में रहने वाले शैलू खटीक से बात करती थी। इससे क्या संबंध है इसका? मामा ने आरोप लगाया मोबाइल चोरी का शैलू खटीक के ऊपर, मामा मामी ने लगाया, इसका इसका इससे मुकेश से क्या संबंध है? क्योंकि मैं मतलब लॉर्डशिप अपीलार्थी, मैं मतलब अपीलार्थी नहीं, मैं मतलब प्रोसिक्यूट्रिक्स। मेरे मामा दिनेश के बगल में रहने वाले शैलू खटीक से बात करती थी, वह मुझे उससे बात करने से रोकते थे। वो तो मामा रोकते थे, मुकेश थोड़ा ना रोकता था, मुकेश के खिलाफ क्यों लगेगा आरोप? अब लॉर्डशिप इसमें एज एज वाला एक ग्राउंड और है। हाँ एज वाला और बताइए। अच्छा एज में सौतेले पिता से कंसेंट आ जाएगी कि प्रोविडेंट डिग्री रहेगी? नहीं लॉर्डशिप, एज के मामले में जो है इसमें जो कक्षा छह एग्जिबिट पी फाइव लॉर्डशिप, PW3 9/7/2010 को, और इसमें अपीलार्थी का नाम दर्ज हो जा रहा है। अपीलार्थी का नाम 2010 में दर्ज हो गया पिता के रूप में, पिता के रूप। हाँ जबकि घटना है 2015 की। शादी कब की थी इसकी माँ ने? उसमें भाई इसके फादर, आपको ये बताना पड़ेगा दैट व्हेन डिड हर फादर डाइड एंड व्हेन हर मदर एंटर्ड इनटू अ वेडलॉक विद दिस मैन मुकेश यादव, ये बताइए। कि जब गवाही हो रही है उसके 2-2.5 साल पहले शादी हुई थी 2010 लॉर्डशिप। कहाँ आया है पढ़िएगा, 2-2.5 साल पहले शादी हुई थी, उसकी माँ मर गई है, माँ मर गई उस समय तो। PW1 देख रहे हैं, PW1 पढ़िएगा क्या कह रही है वो। PW1 पैरा वन लॉर्डशिप PW1 जी तीसरी लाइन है। हाँ मेरी ननद रेखा साहू की मृत्यु 2-2.5 साल पहले, मृत्यु वही तो हमने बोला 2-2.5 साल पहले मृत्यु हुई है, शादी नहीं बता रही। नहीं 2-2.5 साल पहले मृत्यु हुई, उसके बाद ही तो मैरिज होगी लॉर्डशिप। रेखा साहू के वकील साहब आप कहाँ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रेखा साहू ननद की मृत्यु 2-2.5 साल पहले हुई है, नंदोई की मृत्यु नहीं बता रही 2-2.5 साल पहले की मैरिज होगी, थोड़ा देख के पढ़िए। ऐसा मत आप हाई कोर्ट में बहस कर रहे, यू थिंक दैट यू कैन मिसलीड अस, समझे आप क्या बहस कर रहे हैं और कितनी फॉलो है वो बहस आपकी। मैं लॉर्डशिप समझ गया, चलिए क्या करना है, इसको विथड्रॉ करना है, खारिज करना है हमको। जो लॉर्डशिप ये स्कूल एडमिशन का ये है लॉर्डशिप, की कक्षा 6 का है लॉर्डशिप, कक्षा तीसरी में एडमिशन लिया है, फिर गलत पढ़ रहे हैं आप। 2010 में कक्षा तीसरी में एडमिशन लिया है, प्रधान अध्यापिका क्लियर कट बोल रही है, गलत पढ़ के आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे बत्रा जी, ये तहसील कोर्ट नहीं है जहां पर आप मिसलीड करेंगे। कक्षा 3 में प्रवेश लिया, आप कक्षा 6 बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं आप, आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं फ्यूटाइल हैं। 9/7/2010 में लॉर्डशिप एडमिशन, चलिए इसको क्या करना है ये बताइए। वी हैव ऑलरेडी मेड अप अवर माइंड टू डिसमिस दिस एप्लीकेशन। श्री प्रदीप बत्रा आफ्टर आर्ग्यूइंग एट लेंथ एंड अनएबल टू कन्विंस दिस कोर्ट इन रिगार्ड टू mentioning of name of Mukesh Yadav as father when the prosecutrix had taken admission in third class on in 2010 by reading evidence of PW1 which talks about death of her nanad 2.5 years prior to the date
मैसेज ऑफ हर ननद विद मुकेश यादव प्लीज फॉर रिकॉर्डिंग। मैं एक निवेदन, ये एक्चुअली मैं मेरे से गलती इसलिए हुई क्योंकि इसमें आईओ ने मेंशन किया था स्कॉलर रजिस्टर, कोई बात नहीं, छह में प्रोविंसेस, कोई बात नहीं, कोई मेरे दिमाग में आपको दस्तावेज सही तरीके से पढ़ना चाहिए।